दोस्तों, अगर आपको भी इंस्टाग्राम के रील्स में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आप इंस्टाग्राम की रील पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद जैसे आप न्यू रील के लिए स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया, पर यहाँ पर न्यू रील शो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू रील शो नहीं हो रहा है, और ये बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर पुराना रील शो हो रहा है, पर न्यू रील यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आप समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिजिट यूट्यूब चैनल में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को ओपन करके रखा है। अगर आपको भी रील्स में प्रॉब्लम आ रहा है, रील स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, न्यू रील शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थ्री लाइनों पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप थ्री लाइनों पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपकी सेटिंग एंड प्राइवेसी ओपन हो जाती है। उसके बाद आपको नीचे आना है गाइस, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा वेबसाइट परमिशन। ठीक है, आपने वेबसाइट परमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा ब्राउजर सेटिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर कुकीज एंड कैश। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एक बार जो ब्राउजर है उसको क्लियर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है डाटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाटा सर्वर, आपने इसको यहाँ पर ऑन कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसे ऑन कर देंगे, उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग पर आ जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा ऐप्स के नाम से या ऐप मैनेजमेंट के नाम से, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपके मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप है वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो सामने इंस्टाग्राम है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप इंस्टाग्राम के ऐप इन्फो को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है स्टोरेज का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्लियर कैश कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लियर कैश के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर 0 MB हो चुका है। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिया है मोबाइल डाटा का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों सेटिंग को यहाँ पर ऑन कर देना है। ठीक है, ये दोनों सेटिंग आपकी यहाँ पर ऑन होनी चाहिए। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आप आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर चले जाना है। ठीक है, जैसे आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम, जैसे आप इंस्टाग्राम को सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे इंस्टाग्राम आ जाएगा, आपने इसे सर्च कर लेना है। तो देख सकते हैं सबसे टॉप पे इंस्टाग्राम आ चुका है, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम अपडेट मांग रहा है, आपने अपडेट के ऊपर कर देना है क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेते हैं। अगर आपका भी इंस्टाग्राम अपडेट मांग रहा है, तो आपने सबसे पहले तो इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा इंस्टाग्राम था वो यहाँ पर इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको ओपन होने देते हैं। दोस्तों जैसे आप सामने देख सकते हैं, जो मेरा इंस्टाग्राम था वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इंस्टाग्राम को भी बैक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इंस्टाग्राम को बैक करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से यहाँ पर आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, रील पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रील पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, पर यहाँ पर कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिजिट है यूट्यूब चैनल पर नए गए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो देखने के लिए गाइस आप सभी का धन्यवाद।